दिस इज़ मोहना बीच और अभी हम लोग आए हैं सनराइज़ देखने। अभी बजे हैं सुबह के 6:05 बजे से आए हैं लेकिन अभी तक सनराइज़ हुआ नहीं है, अभी थोड़ा क्लाउडी है। 6 बज गए, देख सकते हो आप द व्यू इज़ अमेजिंग। और काफ़ी मतलब यहाँ पे देखो सामने, यहाँ पे इस तरफ का जो पानी है ना इसका कलर अलग है और उस तरफ का जो पानी है उसका कलर अलग है, तो मतलब गॉड लेवल। और हल्के हल्के क्लाउड्स है तो और अच्छा लग रहा है। ओ भाई लाइफ। तो सनराइज़ एक बार हम लोग ने देख लिया मोहना बीच में, उसके बाद हम लोग ने लोकल स्टॉल से वहाँ से ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम नहाने जाएंगे। तो हम फिर से पहुँच गए हमारे होटल के पास न्यू दीघा, जहाँ पे हम नहाने का डिसाइड किए। लेकिन आप एक बार क्राउड देख लो, तो ये क्राउड देख के मेरा तो नहाने का मन चला गया, क्योंकि इस क्राउड में जाना मतलब डेंजर, बिकॉज अभी भी कोरोना का सेकेंड वेव स्टार्ट हो रहा है, तो ये अभी बहुत डेंजरस था। तो मैं इसलिए सोचा कि यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या प्लान किया वो आपको हम लोग नेक्स्ट दिखाते हैं। सो उसके बाद हम लोग ने एक लोकल वैन किया और न्यू दीघा से सीधा चले गए ओल्ड दीघा। ओल्ड दीघा में सी हॉक के सामने बहुत ही सुंदर बीच है जहाँ पे मैं पहले भी आया करता था। इस बार आई ट्राइड आउट न्यू दीघा बट नो, ओल्ड दीघा का बीच इज़ द बेस्ट बीच। अगर आप जा रहे हो, अगर आप नहा रहे हो तो आप ज़रूर वहीं पे जाना, क्योंकि न्यू दीघा में बहुत सारे रॉक्स है, बोल्डर्स है। जो ओल्ड दीघा का बीच है वहाँ आप देख सकते हो, इट्स द प्रॉपर बीच जहाँ पे आप नहा सकते हो और वहाँ पे क्राउड भी कम था। तो अगर आप अभी विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से आप लोग ओल्ड दीघा ही जाना। सो आफ्टर हैविंग आर फूड हम लोग ने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर हम चले गए डायरेक्टली अपने होटल के स्विमिंग पूल में। वहाँ पर हमने काफ़ी पिक्चर्स क्लिक की, हम लोग ने काफ़ी वीडियोस क्लिक किए। ये सब मेरे SJ कैम से क्लिक किया हुआ है, तो आप लोग को ये सब मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे और चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग ने फिर क्या किया। सो एट अराउंड 7:30 हम लोग गए बीच के साइड में, हम लोग वॉक कर रहे थे और वेदर इतना अमेजिंग था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि अलग ही बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोग सबको। उसके साथ साथ हमारे दोस्त शौकत ने और मनोजीत ने वहाँ पे कुछ फ़िश फ्राई खाया जो कि साइड में स्टॉल में मिल रहा था। तो हम लोग ने शाम को ऐसे स्पेंड किया। उसके बाद तो हम चले गए वापस अपने रूम में और सो गए, क्योंकि नेक्स्ट दिन हम लोग को निकलना था। हमारा नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा वो होगा अबाउट दी होटल, तो आप लोग बने रहिए क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सो दोस्तों, अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कर देना और अगर बहुत अच्छा लगे तो ज़रूर बेल आइकन दबा देना, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत ही स्पेशल होने वाला है अबाउट SS इंटरनेशनल होटल, जो कि एक 3-स्टार होटल है इन न्यू दीघा। तो अगर आप लोग वहाँ जाओगे तो आप वहाँ पर ज़रूर ये बुक कर सकते हो। तो क्या प्राइस, क्या फ़ीचर्स, हम लोग आपको सब बताएंगे डिटेल्स में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं विथ ऑल द डिटेल्स। बाय गाइज़।